आज हम लोग नक्षत्र से खोई हुई वस्तु की जानकारी प्राप्त कैसे करें। आप यह जानते हैं कि हमारे पंचांग के अंतर्गत 27 नक्षत्र दिए हुए रहते हैं। इस नक्षत्र के आधार पर ही हम लोग आज देखते हैं कि कोई वस्तु आपकी खो जाती है, गुम हो जाती है, भूल जाती है, तो ऐसी स्थिति में आप कैसे पता लगाएंगे नक्षत्र के माध्यम से कि क्या वह मिलेगी अथवा नहीं। पंचांग के माध्यम से आप सभी प्रकार के मुहूर्त निकालने की कोशिश करते हैं और पंचांग के अध्ययन की आवश्यकता भी है। प्रतिदिन कोई न कोई ग्रह गोचर करता है। जिस दिन कोई वस्तु आपकी खो जाती है या चोरी हो जाती है, तो आप ये नीचे जो तालिका यहाँ पर देख रहे हैं, इस तालिका का अध्ययन करेंगे तो आपको ज्ञात हो जाएगा कि वो वस्तु मिलेगी अथवा नहीं मिलेगी। उसके फल को आप इसे सारणी के माध्यम से देख सकते हैं। 27 नक्षत्र यहाँ पर दे दिया गया है। अब इस नक्षत्र में को नाम भी दिया गया है, जैसे अंधाक्ष नक्षत्र कहा गया है, मंदाक्ष नक्षत्र कहा गया है, मध्यांश कहा गया है और सुलोचन। ये चार नाम से नक्षत्रों की संज्ञा दी हुई है। इसी संज्ञा के नाम पर आप अपना फल निकाल सकते हैं। जैसे अंधाक्ष नक्षत्र जो हैं रोहिणी, उत्तरा, फाल्गुनी, पोखे, विशाखा, पूर्वाषाढ़ा, घनिष्ठा और रेवती, ये यदि नक्षत्र हैं और ये गमन नक्षत्र उस दिन बीत रहे हैं जिस दिन आपकी सामान की, आपकी वस्तु की चोरी हुई है या गुम हुई है, तो आप उस नक्षत्र में, उस दिन के सारणी में, पंचांग में नक्षत्र देखें। यदि मान लीजिए रोहिणी नक्षत्र का गोचर चल रहा है, तो उस समय आप कहेंगे, अपने फल में समझेंगे कि हम शीघ्र लाभ होगा। या किसी जातक को भी आपको बताना हो तो उसे आप कह सकते हैं कि आप प्रयत्न करें, आपको शीघ्र लाभ की प्राप्ति होगी। उसी प्रकार मंदाक्ष नक्षत्र कहा गया है। मंदाक्ष नक्षत्र में अश्लेषा, मृगरिषा, हस्त, अनुराधा, उत्तराषाढ़ा, सतभेष और अश्विनी नक्षत्र आते हैं। इन नक्षत्र में यदि किसी व्यक्ति की वस्तु चोरी होती है या भूल जाती है, तो ऐसी स्थिति में आप उस जातक को बता सकते हैं कि आप प्रयत्न करें, लाभ हो सकती है, यानी प्रयत्न करने पर आपको प्राप्ति हो सकती है, पता चल सकता है कि खोई हुई वस्तु कहाँ है। इसलिए आप इस माध्यम से आप दूसरे को बता सकते हैं, सब अपने भी उपयोग में ला सकते हैं। आगे देखते हैं मध्यांश नक्षत्र। मध्यांश नक्षत्र में माघा, आद्रा, चित्रा, ज्येष्ठा, पूर्वा भाद्रपद, अभिजीत, अभिजीत मुहूर्त को भी ले लिया गया है इसमें, साथ में 27 एक 28 ले लिया गया है, भरणी, ये नक्षत्र जो हैं यदि उस समय गमन कर रहे हैं, उस समय चल रहा है, उस दिन के पंचांग में है उस समय में, तो आप यह बताएंगे या आप समझेंगे कि आपको सिर्फ जानकारी प्राप्त हो जाएगी कि अमुक वस्तु हमारी यहाँ पर है, लेकिन प्राप्त आपको नहीं होगी। आगे देखते हैं सुलोचन। सुलोचन नक्षत्र जो है, सुलोचन नक्षत्र के अंतर्गत पुनर्वस, स्वाति, पूर्वा फाल्गुनी, मूल, श्रवण, उत्तर भाद्रपद और कृतिका, ये नक्षत्र आते हैं सुलोचन के अंतर्गत। यदि ये नक्षत्र उस दिन गमन कर रहे हैं, उस दिन बीत रहा हो नक्षत्र, ऐसे स्वाति नक्षत्र, जिस दिन वस्तु चोरी गई उस दिन स्वाति नक्षत्र आप देखते हैं पंचांग में कि है, जिस समय वो गया था, चोरी हुआ है, तो उस समय आप कह सकते हैं कि आपकी सामान जो है नहीं मिलेगी, आप उसका सामान के प्रति इच्छा जो है त्याग कर दें, आपकी बस सामान मिलने की उम्मीद नहीं है। इस प्रकार हमें बताना चाहिए। साथियों, यदि आप लोग इस वीडियो से संतुष्ट हैं, आपको यह समझ में आ रहा हो, तो आप इसे लाइक करेंगे अवश्य और सब्सक्राइब भी करेंगे। साथियों, नमस्कार।